योगी आदित्यनाथ के पांच ऐसे काम जिन्हें पिछले मुख्यमंत्रियों ने करने की सोची ही नहीं। योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं तब से उत्तर प्रदेश के हित में अनेकों कड़े फैसले ले चुके हैं, लेकिन आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए पांच ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पिछले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा मायावती ने करने के बारे में सोचा तक नहीं। तो आइए बताते हैं आपको। एक, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में यूपी के सभी विद्यालयों में नकल को पूर्णतया प्रतिबंधित कर एक क्रांतिकारी कार्य किया। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी तिवारी के शासन का लमे नकल को लेकर शिकंजे कसे गए थे, लेकिन उनके सत्ता से जाने के बाद यूपी में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का यह क्रांतिकारी फैसला बेहद लाभप्रद सिद्ध हुआ है। दो, योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आते ही सबसे पहले एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुन भी एजेंडे में था। बताते चले कि एंटी रोमियो स्क्वायर के गठन के समय उत्तर प्रदेश में लड़कियों से छेड़खानी की घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन विपक्ष ने इसे आदमियों के अधिकारों का हनन बताया और इसका जमकर विरोध किया। तीन, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने पिछली सरकारों के कार्यों की जांच कराई। बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार में बनवाए गए अवैध तरीके से साइकिल ट्रैक की जांच करवाई, लेकिन अखिलेश यादव ने मायावती के शासनकाल में बनवाए गए गए हाथी पाकों के बारे में कोई जांच ही नहीं की थी। चार, योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं के पूर्व स्थलों को पुनः अस्तित्व में लाने की कवायद शुरू की है, जिसका प्रमुख उदाहरण इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग करना है। बताते चलें कि प्राचीन काल में इलाहाबाद का नाम प्रयाग था, इसीलिए आदित्यनाथ ने एक बार फिर से प्रयाग को अस्तित्व में लाने की ठानी है, हालांकि इससे पहले किसी अन्य मुख्यमंत्री ने ऐसा करने के बारे में सोचा तक नहीं। पांच, वोट मांगते समय तो सभी नेताओं को जनता के बीच चौपाल सभा करते हुए देखा गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सत्ता में होते हुए उत्तर प्रदेश में चौपाल सभाएं की हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हजारों जिले चुने गए थे। बताते चलें कि चौपाल सभा का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनना है, इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं की जाती है। हमारा चैनल किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कार्य की चर्चा आपको बता रहे हैं। अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आई तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही अगर कोई गलती हुई है तो इस बारे में भी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।